क्या जज्बात डाइल्यूट हो रहे हैं? आज का युग साइंस और टेक्नोलॉजी का है, हमारे जीवन का कोई हिस्सा इससे अछूता नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क बनाए रखना बहुत ही आसान हो गया है। इससे हुआ यह है कि हर छोटी सी छोटी बात सभी लोगों के साथ शेयर हो रही है आजकल। वैसे इसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भावनिक स्तर पर एक दूसरे से जुड़ने से पहले ही वो राह देखना, वो तड़प कहीं लुप्त हो गई है। मुझे आज भी याद है मेरे कॉलेज के दिन, महीने में एकाध बार मनी ऑर्डर के साथ माँ और पिताजी का खत आता था। यहाँ सब ठीक है, तुम्हारी हर जरूरत हम पूरी करेंगे, तुम बस दिल लगा के पढ़ाई करना। खत के ये वाक्य पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आती और आगे का खत धुंधला होते नजर आता था। वो मेरे लिए उठाते कष्ट मानो जैसे चित्र बनकर उसी खत में मुझे दिखाई देते थे और आंखों से आंसू निकल आते थे। मैं भी खत लिखने का प्रयास करता था, लेकिन कहां से शुरुआत करूं, इस उलझन में कुछ लिख नहीं पाता था। पूरी भावनिक भड़ास बाहर निकलने तक 3-4 खत तो आराम से हो जाते थे। फिर मैं वो सब फाड़कर एक प्रैक्टिकल खत लिखता था, उन्हें चिंता न हो इसलिए। खाना मनपसंद न होने पर, मार्क्स कम मिलने पर या किसी के गुस्सा होने पर रात भर तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोता था मैं। नींद आंखों को छूती नहीं थी। उस वक्त माँ और पिताजी के यही प्यार भरे खत आधार के भांति महसूस होते थे। फिर उन्हें अलमारी से निकालकर पूरा धुंधला होने तक बार बार मैं पढ़ता था वो खत। संपर्क से बने ये आपसी रिश्तों के जज्बात, जिसकी अनुभूति मुझे उन खतों के जरिए मिली, वैसे जज्बात आज भी है, लेकिन फर्क है तो बस माध्यम का। व्हाट्सएप, फेसबुक, SMS के जमाने में खत लिखना कहीं खो गया है। हमारे जीवन में इन माध्यमों का प्रवेश बहुत देरी से होने के कारण कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्या इन आधुनिक माध्यमों की वजह से इंसान के जज्बात डाइल्यूट हो रहे हैं? हमारे ऐसे कितने संदेश बच्चे बार बार पढ़ते होंगे, और क्या वो पढ़कर उनकी आंखें कभी भर आती होगी? क्या पता, आपसी रिश्तों के जज्बात शायद विरासत में नहीं मिलते।